हेलो फ्रेंड्स, तो मैं बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर टू का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू का आंसर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, ये लिखना है टैक्स पेयर इंडिविजुअल, इसमें से कोई कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा 182 डेज मोर। ठीक है, 365 दिन और ये सारे जो कंडीशन हैं वो फुलफ़िल करने होंगे कि मिनिमम 365 दिन रहे पिछले साल के अंदर और 60 दिन रहे करेंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। ठीक है, ये एग्जांपल लिख सकते हो अगर चाहो तो। ठीक है, नहीं नहीं, ये एग्जांपल मत लिखना, पहले ये कंडीशन लिखना, एनी वन फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल करनी है। ठीक है, इसको लिखने के बाद जो है फिर ये लिखना, इफ़ एनी वन ऑफ अबव टू कंडीशन इज सेटिस्फाई ही इज़ अ टैक्स पेयर। ठीक है, टैक्स पेयर होगा और फिर देखना है रेसिडेंट कौन सा वाला है, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी। तो ये क्लासिफाई करा गया है दो कैटेगरी में, तो ये दोनों कंडीशंस लिख देना। ठीक है, इमिडिएटली प्रीवियस ईयर तक, और उसके बाद जो लिखना होगा वो बता रहा हूँ अभी। ये ऐड करना है, ठीक है, यहाँ से मिस्टर समीर कम इन इंडिया ऑन 11 अक्टूबर 2020 फॉर 130 जैन, सो समीर इज नॉट फुलफिल फर्स्ट, ये फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट बेसिक कंडीशन दैट इज़ 182 डेज और मोर, बट ही फुलफिल द सेकेंड बेसिक कंडीशन दैट इज़ 60 डेज और मोर करंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन 4 प्रीवियस ईयर। मिस्टर समीर स्टे इन इंडिया प्रीवियस ईयर, इन प्रीवियस ईयर 2021 इन 130 और एंड इन 130 डेज लिख देना, एंड इन 4 प्रीवियस ईयर इतना, 4 प्रीवियस ईयर में इतने दिन रहा है, इसको टोटल करके लिख देना आप 130 + 70 + 95 = 40 डेज। ठीक है, ये 4 साल में कितने दिन रहा है, 4 साल में जो है 365 डेज से ज़्यादा रहा है, लिखा ना, विच इज़ मोर दैन द 365 दिन। ठीक है, तो ये जो पहली कंडीशन है ना, ये इसने पूरी कर दी, ये वाली पहली 182 डेज, ये तो पूरा नहीं कर पाया क्योंकि 130 दिन रहा। ठीक है, 60 दिन और 365 डेज और मोर, तो ये पूरी। तो ये क्या होगा, नेक्स्ट पेज पे दिखा, फोर्थ चेक आउट द रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, वी नीड टू चेक आउट द एडिशनल कंडीशन, मिस्टर समीर फुलफिल द फर्स्ट एडिशनल कंडीशन दैट इज 2 times resident in 10 previous year. He also fulfill the second additional condition that is 730 days or more in 7 previous year. ठीक है, तो conclusion, Mr. Samir is a resident and ordinary resident of India. ये पहला part है।